हेलो डियर स्टूडेंट्स, विल एंजॉय वन मोर स्टोरी, फॉरगिव एंड फॉरगेट। वंस इन अ टाउन देयर लिव टू ब्रदर्स। एक शहर में दो भाई रहते थे, बंटी एंड मोहित। उनका नाम बंटी और मोहित था। बंटी वॉज वेरी मिस्चीवियस बट मोहित वॉज एल्डेस्ट एंड वेरी सिंसियर। जो बंटी था वो बहुत ज़्यादा शरारती था और मोहित बड़ा भाई था और वो बहुत ज़्यादा सिंसियर था, बहुत ज़्यादा आज्ञा का पालन करने वाला बच्चा था। बंटी यूज़ टू अनॉय मोहित एंड कैप्ट ऑन डूइंग थिंग्स दैट मेड मोहित फील बैड। और बंटी ऐसे काम करता रहता था जिसके वजह से मोहित को गुस्सा आता था और मोहित को बहुत बुरा लगता था। वंस ही टुक हिज रेडियो आउटसाइड एंड मिसप्लेस्ड इट विलिंगली। एक बार उसने रेडियो निकाला और जानबूझ के इस जगह में रख दिया जहाँ पर उसको ढूंढ ना पाए, जहाँ पर मोहित उसको ढूंढ ना पाए। सो ही यूज़ टू ईट द कुकीज़ एंड मोहित वॉन्टेड टू हैव फॉर स्नैक्स। जो कुकीज़, जो बिस्किट्स मोहित खाना चाहता था उसको बंटी शरारत करके पहले ही खा लेता था। ही यूज़ टू चेंज द टी वी चैनल इन मिडल ऑफ अ शो। और इसी प्रकार जब वो लोग गेम देख रहे होते हैं, टी वी देख रहे होते हैं, तो बीच में चैनल भी चेंज कर देता था। तो देखा आपने कितना शरारती है ये बंटी, दिस इज़ बंटी, और ये चोरी करके कुकीज़ खा रहा है। मैक्स देखते हैं क्या होता है। ही इवन ड्रैग्ड अ वैगन फुल ऑफ डर्ट ओवर मोहित टॉय। और वैगन होता है ये छोटी सी गाड़ी, ये देखो छोटी सी गाड़ी है, और मिट्टी की भरी हुई गाड़ी ये लेके आता था और मोहित के पैर में मिट्टी गिरा देता था। मोहित बहुत ज़्यादा एंग्री होता था, गुस्सा होता था, और अपने छोटे भाई बंटी को के ऊपर उसको गुस्सा आता था। और रिजॉल्व मतलब होता है डिटरमाइंड, उसने निश्चय किया कि वो इससे बात नहीं करेगा। उसका भाई बंटी बार बार उसके पास आता तो मोहित उसको कहता था दूर चले जाओ और रेफ्यूज़ टू प्ले विद हिम, और मोहित उसके साथ खेलता नहीं था। अब देखते हैं बंटी को कैसा लगता है। बेटा बंटी सैड सॉरी बट स्टिल मोहित कैप द सेम एटीट्यूड। बंटी ने सॉरी बोला लेकिन मोहित ने अभी भी उसको माफ़ नहीं किया। बंटी ट्राई हार्ड टू पर्सुएड मोहित टू प्ले विद हिम बट मोहित सेड आई एम एंग्री विद यू, डोंट कम टू मी अगेन। बंटी ने बहुत कोशिश की, पर्सुएड होता है मनाना, तो पर्सुएड मतलब मनाना। उसने अपने भाई मोहित को बहुत मनाया लेकिन मोहित एंग्री था, गुस्सा था, उसने कहा मेरे पास दोबारा मत आना। उसके बाद देन फाइनली बंटी गेव अप। गेव अप होता है किसी काम को बीच में रोक देना, तो उसने अब अपने भाई को मनाना बंद कर दिया। ही वेंट आउटसाइड टू प्ले अलोन। बंटी अपने आप बाहर चला गया और अकेले खेलने लगा। मोहित वॉच्ड हिम फ्रॉम द विंडो प्लेइंग ऑन हिज ओन। बंटी किक्ड द बॉल अराउंड द यार्ड लुकिंग वेरी सैड। और मोहित ने देखा कि उसका भाई अकेले खेल रहा है तो मोहित को अच्छा नहीं लगा, बंटी अकेले ही बॉल से खेल रहा है और बहुत उदास नज़र आ रहा है। मोहित ने सोचा वट एवर बंटी हैज़ डन इज़ रियली बैड बट ही डिड से सॉरी टू मी वट आई हैव नॉट पार्डन हिम वाई आई हैव नॉट पार्डन हिम। अब मोहित सोचने लगा कि मेरे भाई ने जो किया वो गलत है लेकिन उसने मुझसे सॉरी बोला और मैंने उसको क्षमा नहीं किया। पार्डन होता है क्षमा करना, मैंने उसको क्षमा नहीं किया। उसके बाद वो दोनों दुखी रहने लगे, अब वो दोनों अकेले अकेले रहने लगे। मोहित को रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि वो कितना गलत कर रहा है। उसके छोटे भाई ने उसको सॉरी भी बोला लेकिन मोहित का दिल पत्थर का है और ये गलत है, मुझे मेरे भाई को माफ़ कर देना चाहिए और हमें साथ में खेलना चाहिए। ही वॉन्टेड टू प्ले विद हिज यंगर ब्रदर एंड थॉट टू फॉरगिव हिम एंड वॉन्डर्ड वेदर हिज ब्रदर वुड फॉरगिव हिम फॉर हिज रूड बिहेवियर। अब मोहित ने सोचा कि मुझे अपने छोटे भाई बंटी को माफ़ कर देना चाहिए, और उसको ये भी हैरानी थी, वॉन्डर्ड का मतलब हैरानी, उसको ये भी हैरानी थी कि उसका भाई उसको माफ़ करेगा या नहीं करेगा उसके इस स्वभाव के लिए। सो मोहित वेंट आउटसाइड एंड फाउंड बंटी प्लेइंग अंडर अ ट्री एंड सेड आई एम सॉरी बंटी प्लीज़ फॉरगिव मी। मोहित बाहर गया, उसने देखा बंटी एक पेड़ के नीचे खेल रहा है और उसने बंटी से कहा मुझे माफ़ कर दो बंटी। बंटी ने कहा फॉरगिव यू आई थॉट दैट यू वर एंग्री विद मी। दे बोथ फॉरगिव ईच अदर। बंटी ने कहा मुझे तो लगा भाई आप मुझसे नाराज हो, और दोनों ने एक दूसरे को माफ़ किया। एम्ब्रेस होता है बेटा गले लगना, एम्ब्रेस्ड गले लगना। वे दोनों एक दूसरे के गले लगे, उनके आँखों से आंसू बहे, टीयर्स वे रोलिंग डाउन देयर आइज। आँखों से आंसू बहे, वो देखने वाला दृश्य था जब दो भाई गले लग रहे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। उन दोनों ने फिर बॉल से इकट्ठा खेला, उन्होंने बगीचे में आराम से खेला, इंजॉय किया। उनको फिर ये महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस हुआ कि ये अच्छी बात नहीं है हम एक दूसरे को पनिश करें। ग्रज होता है शिकवा करना, गरज होता है एक दूसरे से परेशान रहना, शिकवा करना, और एक दूसरे से साथ में ना खेलना गलत बात है।
इट इज़ बेस्ट टू पुट द पास्ट बिहाइंड एंड मेक बेटर टूडे। फिर उन्होंने कहा अच्छी बात यह है कि हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए, हमें भूतकाल के बारे में भूल जाना चाहिए और हमें जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा वर्तमान है, इसे हमें खुशहाल बनाना चाहिए। उसके बाद बंटी ने बॉल को किक किया और वो मोहित के सिर पे जाके लगे। तो बंटी को लगा भैया फिर नाराज़ होगा, लेकिन जो मोहित का फेस था, मोहित्स फेस वॉज टर्निंग रेड। देन बंटी सैड आई एम सॉरी एंड मोहित सैड दैट्स ओके डियर आई एम नॉट एंग्री विद यू टूडे आई हैव रियलाइज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। और उसके बाद इतनी अच्छी बात मोहित ने बोली बेटा, मोहित ने कहा अपने भाई को अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आज मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, आज मुझे पता चला है कि क्षमा करने में कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी ताकत है, किसी को क्षमा करना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। बेटा एक फ्रेज़ है यहाँ पे टर्न फेस रेड, टर्न फेस रेड का मतलब है एंग्री होना, गुस्सा होना। सो हमने आज इस कहानी से क्या सीखा, फॉरगिवनेस इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, वर्च्यू होता है अच्छी आदत। सो क्षमा करना किसी भी व्यक्ति की सबसे अच्छी आदत होती है, सबसे अच्छा गुण होता है। थैंक यू, मुझे लगा आपको ये स्टोरी समझ में आई है और आपने इन्जॉय किया है। थैंक यू बेटा।